पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला गौर नमस्कार। मैं नीतू मदन मोहन तिरुआ एक बार फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। जी हाँ, मैं उठ गई थी, नहा धो के हो चुकी थी रेडी, मेरा दिया बत्ती भी हो गया था और सारा काम मेरा हो गया था। कपड़े वपड़े भी मैंने नहा धो के धो लिए थे। तो अभी चाय वाय नहीं पी है, अभी दिया बत्ती करी मैंने, बाहर को दिया जलाया, अंदर दिया जलाया, तो टाइम इतना ही हुआ है। और आज है मेरा दुमंजिले का लेंटर, आप सभी लोग इनवाइट है मेरे दुमंजिले के लेंटर में, लेकिन लेंटर तो पड़ जाएगा और ये वीडियो आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगी। तब तक लेंटर तो मेरा पड़ जाएगा लेकिन निमंत्रण आप लोगों को बाद में पहुंचेगा। तो चलो चलो, कोई बात नहीं, जो जो लोग ना लेंटर डालते समय नहीं आए हैं वो गृह प्रवेश में आ जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह के 7:30 बजे से। तो मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी, अभी मैंने दिया बत्ती भी कर लिया है। वहाँ मैंने मेरे कॉर्नर पे छोटा सा मंदिर बना रखा है, मैंने दिया जला रखा वहाँ पे, क्योंकि और जगह है ही नहीं यहाँ पे, किराए पे रहती हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जगह है नहीं। और मेरा सारा काम अभी हो गया था फिनिश, अभी दो मंजिले का लेंटर है तो किचन विचन की सफाई भी हो गई थी, झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ कर लिया था, पोछा भी मार दिया था। और वहाँ पर ना सामान इतना सारा बिखरा पड़ा हुआ है, कल मैं लेके आई थी उसको, अभी वो यूज हो जाएगा। अभी खाना वीना बनाएंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों को। फिलहाल मौसम की बात करें, मौसम तो काफ़ी अच्छा क्या है, हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। अब देखो मौसम कैसा करता है, पिछली बार तो पहले वो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और ठंड भी पड़ रही थी उस टाइम पे, अभी तो इतनी ठंड नहीं है, मौसम ख़राब भी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज है अभी। तो क्या होता है कैसे होता है आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे मैं। मौसम तो ना आज धूप आ रही है और बादल भी लगे हुए हैं हल्के फुल्के, यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से। और मैं नहा धो लिया था मैंने, कपड़े भी धो लिए थे मैंने यहाँ से। और यहाँ से ना थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नीचे को, अभी जो गेहूँ थे ना पिछली बार, अभी इनमें बालियाँ आने शुरू हो गए हैं, पूरे बालियाँ आ गई हैं इसमें, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से। तो ये है भाई यहाँ का मौसम। चलिए फिर, अभी मैंने चाय भी नहीं पी रखी है, भैया तो चाय पी के चले गए थे, अभी मैं भी फटाफट से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाती हूँ, कितना होता है कैसा होता है करके। फिलहाल इनको मैंने बोल रखा है छत पे लेंटर पे आना करके, वो अभी अपने बच्चों को, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, तो बच्चों को जाके मतलब फिर आएंगे। तो पहले फटाफट से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, फिर आगे आगे दिखाती हूँ आप लोगों को आज का दिन मेरा कैसा रहता है, क्या क्या हम बना रहे हैं और कैसे कैसे होता है, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। फिलहाल तो मेरी कमरे की सफाई होगी, मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया था, यहाँ से सारा सामान हटा दिया मैंने और वहाँ पे ना छोटा सा दिया जला रखा है मैंने कल जो मैं लेके आई। और ये है मेरा बेड और यहाँ से ना थोड़ा छोटा सा कमरा है मेरा और ये है मेरा किचन। तो फटाफट से चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। सो दोस्तों, मैंने ना चने बॉयल करने के लिए रख दिए थे इस पे, अभी मैं इस पे बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा जो सूप होता है, तो पिछली बार लेंटर में भी बनाया था तो अभी भी बना रही हूँ थोड़ा बहुत ना मीठा भगवान जी को चढ़ाने के लिए और फिर अपने मंदिर में चढ़ाने के लिए इसको बनाती हूँ। तो चलिए फिर फटाफट बनाती हूँ मैं इसको, उसके बाद दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। बट मेरा ना फोन पकड़ने वाला कोई होता ही नहीं है हमेशा, तो इस वजह से ना मैं कुछ बनाते हुए भी नहीं दिखा पाती हूँ। तो चलिए फटाफट से, लेट भी हो रहा है मुझे, फटाफट से इसको बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। चलिए फिर फटाफट से इसको पकाती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को, फिर कैसा बनता है आप लोगों को दिखाती हूँ। ये नीचे से लगे ना, तो फटाफट से इसको कल से चलानी पड़ती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अभी आपको, इसको मैं फटाफट से बना लेती हूँ फिर। दोस्तों मेरा हलवा बन गया, हो गया है रेडी, अभी ना बहुत अच्छा बना हुआ है ये देखिए एकदम से। तो पहले फटाफट से इसको मैं चला देती हूँ भगवान जी को, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है करके। तो अभी ना वीडियो बनाने का थोड़ा स्किप कर देती हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, वीडियो भी बनानी पड़ रही है और काम भी करना पड़ रहा है, तो साथ साथ में दो काम नहीं हो पा रहे हैं मेरे से। तो फिलहाल मैं फटाफट इस फ़ोन को रख देती हूँ। अब जितना भी मैंने आप लोगों को ये सब कुछ सुबह का रूटीन दिखा रखा है, तो मैं क्या क्या बनता है फिर बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, कोई आ जाएगा हेल्प करने के लिए तो उसके बाद। तो चलिए फिर फटाफट से भगवान जी को। सो दोस्तों, अभी ना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये थोड़ा बहुत ना भैया वो कर रहे थे, तार डाल रहे थे, मतलब लाइट का वो कर रहे थे, तो अभी हो गया है थोड़ा बहुत, तो हो गया है अभी, मसाला यहाँ से डलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे दिया बत्ती वगैरह करती हूँ, भैया वहाँ पे डाल रहे थे तार सारे, भैया लोग देखो, पूजा भी आ गई थी साथ में। अभी ना इसको अभी आ रही है, मैंने इसको पानी भी नहीं पिलाया, सीधा दौड़ा के लाई इधर को। कैसा लगा फिर? पाइप मंगा, हम गरीब
यार ऐसा बोलती है, देखो हम गरीब के साथ ऐसे ही होता है। बोल एक्चुअली ना मैं नीचे को आ रही थी ना, इसको मैंने पानी भी नहीं पिलाया तो तब बोल रही है ये। हाँ तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं छत कैसा होता है करके, और फिर ना घर जाके हमको बहुत ज़्यादा काम भी है वो भी करना है, तो फटाफट से हम यहाँ दियावाती करते हैं उसके बाद निकलते हैं घर। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको। पहले दियावाती कर लेती हूँ, चारों कोनों में पूजा कर लेती हूँ, आप लोगों को पता ही हुआ क्या क्या होता है करके, तो वही हम लोग भी करते हैं। तो फटाफट से भैया और मैं पूजा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आप लोगों को। यहाँ से ना थोड़ा बहुत मैं व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा दिखता है यहाँ से करके। ये है भाई यहाँ का व्यू, और यहाँ से ना नए नए मकान भी बन रहे हैं, ये परसों हाल में ही बन रखा है ये भी, और यहाँ से नीचे को कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ से छत से देखो पहाड़ इस छत से ना पहाड़ भी दिख रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे ना ये पूरी मशीन फिट हो रखी है, देखो नीचे से आएगा माल इसमें ऊपर यहाँ से इस तरीके से, और ये भैया ना अभी इसको भिगा रहे हैं जिम के कॉलम। थोड़ा ऊपर नारे घूम के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे हमने पकौड़े मतलब ब्रेड पकौड़े तल के रख दिए हैं, ये लगी है पूजा, हेलो और ये है माया। माया का सुना पे भर ना सा पता है ना, इनको ना शर्म लगती है वीडियो में आने से सब लोग शर्माते हैं ये, बट मैं भी ना इनको देख के अभी शर्मा गई थी थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा तो काम है ना, मुझे तो करना है। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ना हमने कौन कौन से कारीगर लगा रखे हैं वो दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए भाई, ये हमने दो कारीगर मंगा रखे हैं कहाँ कहाँ के हैं रे, एक बागेश्वर से और एक रवाई खाल से, ना बिलेक से एक बिलेक से मंगा रखे हैं और एक बागेश्वर से। यहाँ पे ना हमने इनको काम दे रखा है लसन छिलने वाला, ये देखिए कैसे बैठे हुए हैं। कस लागणो ताई जी पे आज मैं लेंटर हूँ पे, बधाई के हाँ बधाई हो कौन में कहे हो, बधाई धन्यवाद धन्यवाद। हाँ दीदी कस मनो पे भलोना है धन्यवाद धन्यवाद दी, आप गृह प्रवेश में आला को जा दिया है। सो भाई अंधेरा हो गया था, अभी मेरा पूरा लेंटर डल चुका है, और यहाँ पे बैठ के सभी भाई लोग खा रहे हैं जो जो लेंटर में थे, माया हम और किरण आए थे, पूजा तो कहीं गई है। तो हो गया था लेंटर फाइनल, तो फाइनली मुझे खाना खाया जैसा लग गया है, तो अभी क्या होता है फिर दिखाती हूँ। फिलहाल तो इनको खाना वाना खिला के घर को जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा बहुत ना धुतलापन आ रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया है इसीलिए, तो बाकी वीडियो मैं घर में बनाती हूँ, वीडियो के एंड में घर में करती हूँ। सो दोस्तों वीडियो की ना एंडिंग नहीं कर पाई मैं कल, तो अभी कर रही हूँ, तो अभी आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। ये है पूरा लेंटर मेरा, और यहाँ से भी है कुछ इस तरीके से। तो भाई कल मैं वीडियो एंड करना वो
मतलब लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा हमको यहाँ खाना पीना खिलाने तक। उसके बाद तो रात ही हो गई थी। रात को मैं फिर क्या ही वीडियो बनाती, घर जाके बहुत ज़्यादा सारा काम हो गया था मेरा, तो काम वाम निपटाने तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, देर भी बहुत लेट हो गई थी, तो मैं वीडियो की एंड नहीं कर पाई। तो ये था मेरा लेंटर, छत डल गई थी मेरे 2 मंजिले का। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों, आगे भी आगे और भी काम बहुत करने हैं मेरे को जो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से नहीं होंगे। तो मैं यही आशा करूंगी कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखें। तो ये वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों को कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी दिनचर्या इंजॉय कीजिए। मेरी दिनचर्या तो आप लोगों को पता लग ही जाती है मेरी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।